बहन कहती है कि बच्चों को अगर माँ बाप की नज़र लग जाए तो बच्चों को उससे कैसे महफूज रखा जाए, उसका क्या इलाज है? तो माँ बाप को चाहिए ना कि जब बच्चे को देखे बोले माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ना, ये अपने बागों में अगर ये पढ़ लेते बाग के लिए कि माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो कभी इनके बाग ना उजड़ते। तो माँ का दिल करता है ये बच्चा मेरा किड्डा प्यारा है, तो बोले ना दिल में पढ़े माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर नहीं नज़र लगेगी। ये आदत डाले ना दूसरे की चीज़ों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक लालच फरमाई दी, आपने फरमाया जो किसी की अच्छी चीज़ देख कर ये पढ़ दे माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह उसको उससे बेहतर अता करता है। पहले वुजू करेगा वो बंदा, किसी बर्तन में वो पानी ले वुजू करे, पूरा वुजू करेगा, फिर उसके बाद वो गुसल करे या अपनी बगलें और अपने हदीस के लफ्ज है कि तहमत के नीचे वाला हिस्सा वो पानी मल के वो पानी जो है मंजर के ऊपर डालेगा इंशाल्लाह, या वो खुद डालेगा तो अल्लाह उसको शफा दे देगा। बाद में वो दूसरे पानी से नहा ले, ऐसे एक दिन कर लें, दो दिन कर लें, तीन दिन कर लें, सात दिन तक वो कर सकता है। अल्लाह के फजल से आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई मजाक नहीं है, ये देखें किस बड़े की बात है जी। أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.